हाय एवरीवन, मैं हूँ किरण और सनशाइन विद किरण में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नारियल की बर्फ़ी की रेसिपी। और इस बर्फ़ी को बनाने के लिए हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनेगी हमारी ये बर्फ़ी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने ले लिया है एक नॉनस्टिक पैन, तो इसमें डालेंगे हम एक कप दूध। अगर इसको नापेंगे तो ये 250 ml का कप है, तो 250 ml दूध आप ले लीजिए। और ये फुल क्रीम दूध है और बॉइल्ड दूध है, आप चाहे तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं, बस क्रीम वाला दूध लें, इस बात का ध्यान रखें। और इसमें डालेंगे हम 150 ग्राम चीनी। तो अब हम इसको हिलाते हुए इसमें उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ केसर के धागे गरम दूध में पहले ही भिगो के रख दिए थे, तो इसको भी मैं डाल दूंगी, इससे नारियल की बर्फी में अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो अब इसको भी हम चला लेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। एक उबाल आ जाएगा तो हम गैस कम कर लेंगे। तो इसको फिर कम आँच में हम 3 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे। तो जब तक ये 2-4 मिनट पकता है, तब तक हम दूसरी तरफ अपनी ट्रे पे घी लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्रे पे घी डाल दिया है और इसको अच्छे से मैं फैला लूँगी। और अगर आपके पास ट्रे ना हो तो आप किसी थाली या प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर बस इसी तरह से घी लगा लीजिए और उसको हम साइड में कर देंगे घी लगा के। तो यहाँ पे ये 4 से 5 मिनट मैंने इसको कम आँच में पका लिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी कोकोनट पाउडर, यानी नारियल का बुरादा भी जिसको हम कहते हैं, और ये 200 ग्राम है, 200 ग्राम का पैकेट है। तो ये पूरा का पूरा 200 ग्राम नारियल का बुरादा मैं इसमें डाल दूँगी। तो अब इसको अच्छे से इस दूध के साथ हम मिक्स कर लेंगे धीरे धीरे। आँच हमारी इस समय कम होनी चाहिए, एकदम लो फ्लेम पे हम ये काम करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये क्रीम है, मैंने आपको बताया कि मैं बॉयल दूध ले रही हूँ, तो बॉयल करने पर क्रीम लग जाती है ऊपर। तो ये 1 चम्मच मलाई मैंने इसमें डाल दी है, और अगर आप कच्चा दूध यूज़ कर रहे हैं तो आपको मलाई डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर डालूँगी मैं 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और 1/2 चम्मच घी, इससे ये बहुत ही अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाएगा। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, एक मिनट के अंदर ही इस तरह से हमारा ये मिश्रण तैयार हो जाएगा। देखिए, एकदम डो की तरह ये हो जाएगा और आपस में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल तैयार है, बस इतना ही हम इसको पकाएंगे। तो ये रेडी है, तो इसको हम डाल देंगे हमारी ट्रे पे जिस पे हमने घी लगा दिया था। तो देखिए, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो में क्लिप होती है वो स्किप हो गई है, तो डालते समय नहीं दिखा पाएंगे। तो इस तरह से आप डाल लीजिए, और इस पलटे की मदद से या चम्मच की मदद से आप उसको पूरी तरह से चारों तरफ से सेट कर लीजिए। और ये बहुत ही नरम होता है और गर्म भी रहता है, तो आराम से सेट हो जाता है, आप जो चाहे जैसा चाहे उसको आकार दे सकते हैं। देखिए, इस तरह से जैसे मैं सेट कर रही हूँ, आप बिल्कुल इस तरह से इसको सेट कर लीजिए। और इसकी जो मोटाई है, एकदम पतला ना रखें, बर्फ़ी जितनी मोटी रखें। तो देखिए, मैंने इसको फैला लिया है, तो आप इसकी मोटाई भी देख लीजिए कि कितनी रखनी है। तो अब हम इस पर ऊपर से लगा देंगे चांदी का वर्क। अब ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। बस चांदी का वर्क लगाने से ये होता है कि हमारी बर्फी देखने में बहुत सुंदर लगती है, बाकी इसके स्वाद में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसको हम 1/2 घंटे के लिए बाहर ही रख देंगे, या फिर 15 से 20 मिनट तक हम फ्रिज में इसको सेट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको 1/2 घंटे बाद निकाल लिया है,
और अब हम इसको बर्फी के शेप में काट सकते हैं, या फिर आप इसको काजू कतली वाले शेप में भी काट सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप उस शेप में इसको काट सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुका है। आप जो भी आकार देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो देखिए मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि ये किस तरह बनी है। देखिए बहुत अच्छी तरह सेट हो गया है ये, और एकदम नरम है, देखिए बहुत ही स्पंजी है। और केसर डालने से इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। देखिए आप उसको उसको तोड़ के दिखाते हैं। देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार हुई है, और इसको बनाने के लिए बहुत टाइम की भी ज़रूरत नहीं होती। आप इस तरह बना सकते हैं, मैक्सिमम पूरी तैयारी करने में आपको 15 से 20 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, इससे कम ही लगेंगे। बहुत जल्दी ये नारियल की बर्फी हमारी बनकर तैयार हो जाती है, और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो आप भी ज़रूर बनाइए। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो नारियल की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे बहुत जल्द दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी।